और इनदर मेथड कैपेसिटी एक्सपेंशन के सिलसिले में कैपेसिटी प्लानिंग बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो देट इज़ डिसीजन ट्री एनालिस डिसीजन ट्री एनालिसिस इज बेसिकली एक स्कीमेटिक टेक्निक है या डायग्रामिंग टेक्निक है uh, जो कि uh, हम यूज़ करते हैं uh, उसके अंदर पॉइंट इन टाइम जब डिसीजन लिया जाता है तो उसको हम उसको शो करते हैं दैट इज एज अ स्क्वेयर सिंबल और एक होता है कि जो जहाँ से हमारे डिसीजन ऑल्टरनेटिव ब्रांचेस होती हैं डिसीजन ट्री की जो कि डिसीजन नोड्स के तौर पे इनको uh, कहा जाता है uh, दूसरा बेसिकली इज द चांस सर्कुलर नोड्स Uh, उसमें सर्कुलर वो होते हैं उसके अंदर चांस दिया एक से ज़्यादा ऑप्शन है uh, उसके क्या हर हाँ, ईच ऑप्शन के क्या चांसेस हैं कि वो अकर करेगी uh, एक सर्कल से जो ब्रांचेस निकलेंगी उनके जो चांसेस हैं जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो उनको सम करें तो वो वन के इक्वल होना चाहिए ये नहीं हो सकता कि आप uh, एक नोड से ब्रांचेस निकल रही है और उनका सम पॉइंट एट बन रहा है या वन से ज्यादा बन रहा है इट शुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली वन ठीक है और फिर इसके बेसिस के ऊपर हम आउटकम्स डिटरमिन करते हैं जो कि वो सारे लिस्ट डाउन होते हैं और उसमें से फिर हम आ, एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं जो कि फिर हमारा ये बेस्ट सोलूशन के तौर पर कंसिडर किया जाता है डिसीजन ट्रीज को डेवलप करने के लिए वॉट वी डू इज वी ड्रॉ स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड उधर पहला स्वेयर होगा जहां फाइनल डिसीजन आ रहा है और फिर उधर से ब्रांचेज निकलेंगी ठीक है uh, जैसे मैंने कहा स्कोय आर यूज टू इंडिकेट द डिसीजन पॉइंट इन टाइम कि ये हम डिसीजन ले रहे हैं सर्कल्स इंडिकेट चांस इवन के क्या चांसेस हैं डिफरेंट ऑप्शन के डिफरेंट अक्रेंसेस के Uh, फिर उसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी भी हम डालते हैं जैसे मैंने बताया कि इट शुड बी इक्वल टू हंड्रेड परसेंट वन एंड वी आल्सो राइट ईच अल्टरनेटिव आउटकम और फिर उस आउटकम के बेस के ऊपर हम फाइनल डिसीजन अपनी ड्रॉ करते हैं दिस इज वन एग्जांपल जो कि शो मैं कर रहा हूं इसके अंदर वी हैव डिसीजन पॉइंट्स दिस इज बिकॉज देयर आर मोर देन वन डिसीजन पॉइंट तो हमने उसको डिफरेंट लेवल पर हैं तो वन और टू के तौर पर डाला हुआ है लेवल वन के ऊपर ये डिसीजन पॉइंट है और लेवल टू के ऊपर ये दो डिसीजन पॉइंट हैं जबकि दिस इज चांस इवेंट जो आकर करेगा और डिपेंड करता है कि उसके क्या नेचर है तो प्रॉबिलिटी उसकी क्या होगी दीज आर आपके वो जो ये है चांस इवेंट जो, जो है उसमें से ये डिफरेंट वो ब्रांचेस निकल रही हैं अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर वन इज स्ट्रेट पे ऑफ इसके अंदर कोई वो नहीं है कि फर्दर कोई इसके अंदर हो ये अकर होगा तो इसके हमें ये पे ऑफ मिल जाएगा जबकि ये स्टेट ऑफ नेचर अकर करेगा जिसको हम सेकंड स्टेज ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर हम कहते हैं कि जी इसमें हमें दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक ए वन है एक ए टू है ए वन अगर हम करते हैं तो वो पे ऑफ इज पे ऑफ टू और अगर हम ए टू करते हैं तो दैट इज पे ऑफ थ्री अब इनको हमने सॉल्व करना है इधर परसेंटेज गिवन होगी कि ये स्टेट ऑफ नेचर वन की क्या परसेंट चांस है और स्टेट ऑफ नेचर टू के क्या परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो अकर करेगा और इसके जो पे ऑफ़ है उसके साथ उन प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके हम सम करेंगे तो हमारे पास इधर एक वैल्यू आ जाएगी ऑल्टरनेटिव ए की इसी तरह ऑल्टरनेटिव बी की वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ उसको हम फिर कंपेयर करेंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे